सो हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो मोटर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 बजट कार्स जो आपको 2023 में देखने को मिल जाएंगी। ये सभी कारें काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं अपने लुक को लेकर, अपनी रिलायबिलिटी को लेकर, और काफ़ी फेमस रही हैं इंडियन मार्केट में क्योंकि ये काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छे लुक और फीचर्स के साथ आती हैं। तो बात करते हैं टॉप 5 कार्स जो आपको बजट के अंदर मिल जाएंगी 6 से 7 लाख के बीच में। तो नंबर 1 पे बात करते हैं टाटा टियागो के बारे में। टाटा की टियागो सबसे अच्छी कार है इस मामले में क्योंकि काफ़ी अच्छी सेफ्टी के साथ आती है, इसको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। टाटा टियागो एक 5 सीटर हैचबैक कार है जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है। इस कार में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ जो भी आपको बेसिक फीचर्स चाहिए होते हैं वो आपको इसमें सब मिल जाएंगे और इसमें आपको सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इसका जो प्राइस रखा गया है वो आपको 7 लाख के आसपास मिल जाएगा। इसमें जो आपको फ्यूल टाइप मिलेगा वो आपको पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाएगी। इस कार में आपको जो माइलेज मिलने वाला है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है जो कि 20 KMPL से लेकर 26 KMPL तक का रहने वाला है। तो आपको लॉन्ग जर्नी करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको काफी अच्छी माइलेज इसमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 2 में आने वाली गाड़ी के बारे में जो कि है मारुति की डिजायर। ये काफी अच्छी गाड़ी लगने वाली है आपको क्योंकि ये सेडान कार है 5 सीटर। इसमें आपको काफ़ी अच्छे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। ये आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छे फीचर्स और काफ़ी अच्छी रिलायबिलिटी देती है। मारुति की कार जाने जाती है अपनी रोड प्रेजेंस और माइलेज के बारे में और रीसेल वैल्यू के बारे में। तो इसमें आपको रीसेल भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और इसमें आपको पार्ट्स में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मारुति सुजुकी के सभी पार्ट्स हर गैरेज में आपको मिल ही जाते हैं। इस कार में जो आपको इंजन मिलने वाला है वो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। इसके साथ ही इसमें आपको CNG भी देखने को मिल जाता है। तो इस कार में आपको 19 PS की पावर मिलती है विद 113 Nm का टॉर्क। और इसी के साथ आपको अगर CNG देखना चाहते हैं तो इसमें आपको 77 PS की पावर के साथ 98.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है। इस गाड़ी का जो आपको प्राइस देखने को मिलेगा वो आपको 6,50,000 का मिलेगा। इसमें आपको पेट्रोल CNG दोनों आपको इसमें मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे। इसमें जो आपको माइलेज मिलेगी वो भी काफी अच्छी मिलने वाली है सेडान कार के हिसाब से। इसमें आपको 18 से लेकर 23 KMPL की माइलेज आराम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 3 में आने वाली गाड़ी के बारे में जो कि है टाटा की ही दूसरी कार, वो है टाटा की एल्ट्रोस। इसमें आपको 2 तरह के इंजन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको एक इंजन मिलेगा पेट्रोल और एक मिलेगा डीजल। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, उसी के साथ में आपको इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छी कार है, ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्पोर्टी लगती है। ये कार जब भी आपको रोड पे चलते हुए दिखेगी आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा लुक इस कार के साथ में देखने को मिलेगा। इस कार में सारे बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस के साथ ये गाड़ी आती है। इस कार को जो आपको प्राइस मिलेगा वो आपको 6.60 लाख रुपीज का मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है इतनी सुंदर कार के लिए। इसमें आपको जो फ्यूल टाइप मिलेगा वो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का मिल जाएगा। इसमें जो आपको माइलेज मिलने वाली है वो आपको 18.23 KMPL की और इसके साथ में 20.20 KMPL की माइलेज इसमें मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है एक हैचबैक कार के हिसाब से। इस कार की जो सबसे अच्छी बात है वो इसकी माइलेज के साथ ही इसमें जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं नंबर 4 पे आने वाली गाड़ी के बारे में जो कि है किया की सोनेट। किया की सोनेट जब से इंडिया में आई है उसने धमाल मचा के रखा है। इस कार को लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि एक सब कॉम्पैक्ट SUV कार है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में। इसमें जो आपको इंजन मिलेगा वो आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, उसके साथ में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इस कार की जो प्राइस रहेगी वो आपको 7,80,000 के आसपास मिलेगी, या आपको 7 लाख से थोड़ा ऊपर मिल सकती है। पर आप यकीन मानिए अगर आप इस कार को लेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे क्योंकि इसमें फीचर्स के मामले में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और किया कंपनी जानी जाती है अपने अच्छे फीचर्स, अच्छी रिलायबिलिटी और अच्छे लुक्स के लिए, जो कि लुक्स के मामले काफ़ी अच्छी कार ये आपको प्रोवाइड करती हैं सारी। इसमें जो आपको माइलेज मिलेगा वो आपको 18 से लेकर 20 KMPL का मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक सुंदर सी कार चाहते हैं जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी हो, जिसमें आपको काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन भी मिल जाएं, तो आप जा सकते हैं किया की सोनेट की तरफ। अब बात करते हैं नंबर 5 में आने वाली गाड़ी के बारे में जो कि है मारुति सुजुकी की ही दूसरी कार बलेनो। बलेनो काफ़ी अच्छी रही है अपने सेगमेंट में क्योंकि इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ये एक 5 सीटर हैचबैक कार है जो कि काफ़ी अच्छे मस्कुलर लुक के साथ आती है, काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको थोड़ी निराश कर सकती है पर इसमें फीचर्स आपको खुश कर देंगे। इसमें सभी तरह के बेसिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ये आपको पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाएगा, ये आपको पेट्रोल और CNG दोनों में उपलब्ध हो जाती है। इसका जो प्राइस रखा गया है वो आपको 6 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में मिल जाएगा। इसमें जो पेट्रोल और CNG दोनों इंजन है वो आपको काफ़ी अच्छी माइलेज, काफ़ी अच्छी रिलायबिलिटी देते हैं, काफ़ी अच्छी रीसेल भी मिल जाएगी। इसमें जो आपको माइलेज मिलेगी वो आपको 18 से लेकर 20 KMPL की मिलने वाली है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कंफर्टेबल कार चाहते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टूर पे जाने पे भी कोई दिक्कत ना आए माइलेज के मामले में भी, रिलायबिलिटी के बारे में भी, तो आप जा सकते हैं मारुति सुजुकी बलेनो की तरफ। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया टॉप 5 बजट कार्स जो आप 2023 में ले सकते हैं। आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।